अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं हूं सर्वसीम, आपका बायोलॉजी टीचर। लास्ट टाइम हमने एनिमल टिश्यूज को डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रासिका फ्लावर को और इसके पार्ट्स को। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं फ्लावर क्या होता है। हमारे पास फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स कि ऐसा हिस्सा जो क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन को अगर हम देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें जानदार अपनी तरह के जानदारों को पैदा करते हैं। ठीक, जैसे कि जानवर भी एक जानदार है, इसी तरह से प्लांट्स भी क्या होते हैं, जानदार होते हैं। ठीक, तो इसी वजह से इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो क्या कराता है, रिप्रोडक्शन कराता है, सही, किसी भी प्लांट की। अब ये फ्लावर्स होते कैसे हैं, ये मोस्ट ब्यूटीफुल होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, जैसे कि आपके डायग्राम में नजर आ रहे हैं। ठीक, और ये बहुत अहमियत के हामिल है। क्यों अहमियत के हामिल है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, अपनी तरह के पौधे पैदा कराने में ये मदद कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो फ्लावर के बारे में पढ़ ले, फ्लावर क्या होता है। अब हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि इसके क्या पार्ट्स हैं। ठीक, तो हमारे पास अब क्या है, इसके वूल्स या फिर पार्ट्स ऑफ ब्रासिका फ्लावर। वूल्स कहते हैं ये जो घेरे होते हैं ना ये, ठीक, तो इनको क्या कहते हैं, वूल्स कहते हैं, या फिर इनको हम पार्ट्स भी कहते कह सकते हैं या हिस्से भी हैं। ठीक हो गया, तो पहला हिस्सा होता है हमारे पास कैलेक्स। कौन सा होता है, कैलेक्स। अब कैलेक्स कौन सा पार्ट होता है, कैलेक्स हमारे पास ये वाला पार्ट होता है। ठीक, ये जो हिस्सा होता है जहां पे सबसे पहले जो हमारा फ्लावर क्या होता है, क्लोज हुआ वो होता है, ओपनिंग स्टार्ट होती है जहां से इसकी। ठीक, तो ये वो पार्ट होता है जो क्या करता है, इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मीन्स इसको जो अंदर का जो हिस्सा होता है, ये जो खिला हुआ फूल है, ये जो अंदर का हिस्सा है, ये क्या है, बड़ा नाजुक होता है। अब इसको जो प्रोटेक्शन देता है स्टार्ट में, कौन देता है, ये कैलेक्स देता है। अभी कैलेक्स होता है क्या, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कैलेक्स हमारे पास फोर फ्री सेपल्स पर मुश्तमिल होता है। अब सेपल्स क्या होती है, कि सिंगल पत्ता पाया जा रहा है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। ठीक, अगर यही पत्तों का क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैलेक्स कहेंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि फोर फ्री सेपल्स का एक ग्रुप होता है जिसे हम क्या कह रहे हैं, कैलेक्स कह रहे हैं। ठीक हो गया, अब इसका जो स्टार्टिंग में जो कलर होता है वो कौन सा होता है, लाइट ग्रीनिश होता है। ठीक, लाइट ग्रीन कलर का होता है। जब ये फ्लावर मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर इसका कलर किस में चेंज होता है, येलो विश में, जैसे कि आपको ये नजर आ रहे हैं इसके। ठीक है, जो नीचे के जो स्ट्रक्चर इसके नजर आ रहे हैं आपको, ये क्या हो गए हैं, येलो विश हो गए हैं। अच्छा, अब ये काम क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अभी हमने कहा, प्रोटेक्शन किस चीज से, जैसे कि बारिश हो गई, बारिश से कहीं फ्लावर आपका खराब ना हो जाए तो उसको बारिश से बचाएगा, कोई इसे छुए ना उससे बचाएगा। मींस के इसको हर तरह से क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा, ये कैलेक्स पार्ट। कैलेक्स पार्ट पार्ट्स कौन सा है हमारे पास, ये जो निचला हिस्सा होता है फ्लावर का। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्रोला। क्या नाम है इसका, क्रोला। ठीक, ये क्या होता है, सेकेंड वूल होता है, मतलब दूसरा पार्ट होता है या फिर दूसरा घेरा होता है फ्लावर का। ये जो आपको ऊपर ऊपर जो कलरफुल जो हिस्सा नजर आ रहा है, ये क्या है, इसका क्रोला पार्ट है। ठीक, अभी इसके भी आपको फोर पत्ते नजर आ रहे होंगे, फोर लीव्स नजर आ रहे होंगे, तो ठीक, ये कितने, फोर फ्री येलो पेटल्स से मिलकर बना हुआ है। मींस के एक पत्ता जो है इसका, वो क्या खिला रहा है, पेटल खिला रहा है। अगर ये चारों ग्रुप में बन जाएंगे तो ग्रुप को हम क्या कहेंगे, क्रोला कहेंगे। ठीक, अभी करते क्या है, ये अट्रैक्टिव बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं, अट्रैक्टिव पोलिनेशन के लिए। अब अट्रैक्टिव क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, खूबसूरती होती है, अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करता है, कीड़ों को अट्रैक्ट करता है, मींस के जानदारों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और उसके अट्रैक्शन से होता क्या, पोलिनेशन होती है। अभी पोलिनेशन क्या है, पोलिनेशन एक ऐसा अमल है जिसमें क्या होता है, एंथर से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका एंड्रोशियम। क्या है, एंड्रोशियम। ये क्या होता है, हमारे पास कंसिस्ट ऑफ सिक्स फ्री स्टेमन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, स्टेमन। अभी जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टेमन कह रहे हैं। ठीक, और कितनी होती है, ये सिक्स होती है, जैसे कि आपको नजर आ रही है, तीन ये और ये तीन ये, सिक्स स्टेमन होती है, जिससे मिलकर क्या बना होता है, ये एंड्रोशियम पार्ट। ठीक, एंड्रोशियम पार्ट होता क्या, ये लीफ लाइक तो होता नहीं है, मतलब ये पत्तों की तरह नहीं है। ठीक, और ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब ये क्या होता है, नर हिस्सा होता है, जो क्या कराता है, रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है फ्लावर की। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि फ्लावर क्या करता है, रिप्रोडक्शन कराता है, और रिप्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड होते हैं, मेल और फीमेल रिक्वायर्ड होते हैं।
तो ये क्या है इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो ये जो आपको ये हिस्सा नजर आ रहा है ये वाला, ठीक, जैसे कि यहाँ पर आपको ये डंडी नजर आ रही है, ये डंडी को हम क्या कहते हैं, फ्लामेंट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम फ्लामेंट कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपको ये वाला नजर आ रहा है, ठीक, तो यहाँ देखते हैं ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा जूम करके दिखाया गया है। इसके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, पोलन ग्रेन्स। ठीक, पोलन ग्रेन्स क्या है, इसके रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जो कौन से रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, मेल पार्ट के रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। ठीक, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है पूरा क्या कहलाता है, ये एंथर कहलाता है। क्या कहलाता है, एंथर। ठीक, और इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, पोलन ग्रेन्स पाए जा रहे हैं। अभी कितने होते हैं, ये 6 स्टैमेंस होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, एंड्रोशियम बनाते हैं। और एंड्रोशियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक, और करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेना। अब फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन क्या होती है कि एंथर से पोलन ग्रेन, अभी जो एंथर के अंदर आपको पोलन ग्रेन नजर आ रहे हैं ये बहुत छोटे होते हैं, हमें आम आंख से नजर नहीं आते। ठीक, तो ये क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं। कहां पर ट्रांसफर हो जाते हैं, ये स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं। कहां होते हैं, स्टिग्मा में। ये जो पार्ट है हमारे पास, ये क्या है, इसका स्टिग्मा है। क्या है इसका, ये स्टिग्मा हिस्सा है। ठीक, यहां से जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा में आ जाते हैं तो फिर अंदर आ जाते हैं ये जो बीच का जो पार्ट है, ये क्या है, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसको ऑव्यूल्स कहते हैं। ठीक, अब उन ऑव्यूल्स में इसके जो पोलन ग्रेन्स आते हैं, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं मिक्सअप होते हैं, इनके मिक्सअप होने को क्या कहते हैं, हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेता है। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका गाइनोशियम। ये इसका फोर्थ वूल होता है, या फिर इसको हम लास्ट वूल भी कहते हैं। ठीक, सबसे इनर वूल भी कहते हैं। अभी किन पर मुश्तमिल होता है, ये मुश्तमिल होता है ऑन सिंगल और मल्टीपल फ्यूज्ड कार्पल्स। या तो वो सिंगल भी हो सकती है, या तो एक से ज्यादा भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, उन पर मुश्तमिल होते हैं। कार्पल क्या होती है, अभी जो स्ट्रक्चर है हमारे पास गाइनोशियम, गाइनोशियम क्या कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं। गाइनोशियम मीन्स के तीन हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, एक स्टिग्मा से, जो कि स्टिग्मा है, ये जो है इसका स्टार्ट का हिस्सा, और ये जो आपको ये पतला सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जो पतला हो रहा है बीच में, ये क्या कहलाता है, इसका स्ट्रक्चर स्टाइल। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका पूरा क्या है, ये ओवरी, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, गाइनोशियम या फिर कार्पल, या फिर इसके अलावा हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी इसको हम कहते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, कार्पल कंसिस्ट ऑन स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, जैसे कि आपको अभी दिखाया है स्टिग्मा स्टाइल और ये ओवरी से, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है हमारा, गाइनोशियम या फिर इसको हम कार्पल भी कहते हैं। ये होता क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस किया एंड्रोशियम में, क्या रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास मेल और फीमेल रिक्वायर्ड होते हैं, तो हमारे पास ये क्या है, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ठीक, तो ये भी क्या करता है, फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेता है। ठीक, और फर्टिलाइजेशन में हिस्सा तो लेता ही है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, कैसे हो जाती है, अभी हमने डिस्कस किया था कि एंड्रोशियम से हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा में आते हैं। इस अमल को हमने पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक आने के अमल को हमने क्या कहा था, पोलिनेशन कहा था। अब पोलिनेशन जब हो गई तो यहाँ पर इसके जो सेल्स है रिप्रोडक्टिव सेल्स पोलन ग्रेन्स, वो इन हो जाएंगे, जो क्या करेंगे, ओव्यूल्स से आगे मिक्सअप हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि ये जो ओव्यूल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, अब इन ओव्यूल्स में क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, और कौन सा अमल हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन का अमल हो जाएगा। मीन्स के फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, दोनों की गैमेट्स आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। तो अब होगा क्या, इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवरी किसमें, या तो किसी फ्रूट में चेंज हो जाएगी, या तो कोई फ्रूट बन जाएगा, या फिर कोई सीड बन जाएगा। तो ठीक, आज हमने डिस्कस किया ब्रासिका फ्लावर को और इसके पार्ट्स को। कौन कौन से पार्ट्स को डिस्कस किया, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने डिस्कस किया कैलेक्स को। कैलेक्स कौन सा होता है, ये इसका सबसे आउटर पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, सबसे आउटर, जो कौन से कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का होता है, और जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है किसमें, येलोविश कलर में चेंज हो जाता है, और ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, जो दूसरा पार्ट हमने डिस्कस किया वो कौन सा था, करोला पार्ट डिस्कस किया था। ये सेकेंड वूल होता है इसका, ये क्या करता है, फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक, और खुद किससे बनाता है, फोर फ्री येलो पेटल से मिलकर बना होता है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट क्या डिस्कस किया हमने, एंड्रोशियम को डिस्कस किया, जो कि 6
स्टैमन से मिलकर बना होता है जो कि लीफ नुमा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक। और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि इसमें करता है फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, गाइनोशियम को। गाइनोशियम हमने कहा या तो ये सिंगल भी या फिर मल्टीपल होती है, ठीक। मल्टीपल क्या होती है, फ्यूज कार्पल्स होती है, या तो वो एक हो या एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक। एक कार्पल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, स्टिग्मा, स्टाइल और वेरी, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं, ठीक। और ये क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये भी क्या करती है, फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेती है, ठीक। फर्टिलाइजेशन के फॉर्म में ये क्या हो जाता है, या तो फ्रूट में किसी में चेंज हो जाती है या फिर सीड में, ठीक। तो स्टूडेंट आज हमने ब्रासिका फ्लावर और इसके पार्ट्स को डिस्कस किया, इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में हम मजीद लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।